Welcome to Bingo Hatke Chakke presents Kaante Ki Takkar. जहां अगर सीजन वन शेर है तो सीजन टू बब्बर शेर. कौन जीतेगा ये टक्कर? यहां सीजन वन में बचे हैं दो शेर, अली काशिफ एंड शकील उर्वशी. उनके लिए जोरदार तालियां. और उन्हें टक्कर दे रहे हैं सीजन टू के बब्बर शेर कृष्णा एंड सुदेश. भाई तालियां उनके लिए भी. कृष्णा एंड सुदेश, हमने तय किया है कि आपका साथ देने सीजन टू से बुलाई जाएगी एक और जोड़ी. लेकिन कौन ये मैं आपको वक्त आने पर बताऊंगी. लेकिन ये तय है कि अब ये टक्कर जोड़ी वर्सेस जोड़ी की नहीं है, बल्कि ये टक्कर है सीजन वन वर्सेस सीजन टू की. तो जोड़ियां तैयार हो जाइए अपने अपने सीजन का परचम लहराने के लिए. लेकिन पहले तालियों से स्वागत करिए हमारे जजेस का. दोनों टीम्स तैयार हैं अपने अपने हथियारों के साथ. लेकिन जंग को शुरू करने से पहले एक बहुत ही खास मेहमान, हिंदी फिल्म्स की रणभूमि के युवराज, द वेरी हैंडसम, द वेरी टैलेंटेड, लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर ज़ायद खान. अस्सलाम वालेकुम. हेलो एवरीबॉडी. हेलो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो. इट्स आवर प्लेजर टू हैव यू. थैंक यू सो मच. प्लीज आप अपनी सीट. नहीं, मैं यहां होस्ट करूंगी. सॉरी सॉरी. अब आने वाला है कहानी में ट्विस्ट. कृष्णा सुदेश, हम जानते हैं कि आप अकेले ही इस जंग को जीतने का हौसला रखते हैं, लेकिन आखिरी जंग है तो बराबरी की होनी चाहिए. इसलिए हमने तय किया है कि कृष्णा और सुदेश को एक मौका दिया जाए सीजन टू से अपनी पसंदीदा जोड़ी को बुलाने का, जो इस कड़ी टक्कर में उनका साथ दे सके. तो कृष्णा और सुदेश, सीजन टू की कौन सी आपकी फेवरेट जोड़ी है जिसे आप यहां बुलाना चाहेंगे? आई थिंक सीजन टू में सबसे स्ट्रॉन्ग जोड़ी थी अमृतसर की, इनकी, काम्या और राजीव को बुलाया जाए सर. ऑलराइट, सो तालियों से स्वागत करिए काम्या और राजीव का. सो गुड टू हैव यू बैक. वेलकम गाइस. कैसा लग रहा है फिर से कांटे की टक्कर के मंच पे आने का? माइंड ब्लोइंग. अच्छा कृष्णा सुदेश, मेरी नज़रों में विनर्स है. तो मैंने पहले विनर्स को कम्पीट किया था और अब उनके साथ मैं इतने महारथियों को कम्पीट करूँगी, तो इट्स गोना बी फन एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट. थैंक यू सो मच. जोरदार तालियां काम्या और राजीव के लिए. तो काम्या, राजीव और बाकी सारे यहाँ के कंटेस्टेंट्स जो हैं हमारे, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप पीछे बैक स्टेज जाएँ और तैयार हो जाइए जलवा दिखाने अपना. थैंक यू सो मच. जोरदार तालियां हमारे सारे कंटेस्टेंट्स के लिए. थैंक यू सो मच गाइस. आज की थीम है बोलती बंद. आज हर जोड़ी में से एक पार्टनर की होगी बोलती बंद. एक बोलेगा, एक रहेगा खामोश. और सबसे पहले अपने खामोश पार्टनर के साथ पूरंस की जीत का परचम लहराने आ रहे हैं दुनिया के सबसे सुखी पति, क्योंकि उनकी पत्नी ने आज रखा है मौन व्रत. प्लीज वेलकम अली एंड काशिफ. कहाँ रह गई मनुष्य औरत? अबे 9 बजे उठाना था मुझे, शूटिंग पे पहुंचना था, 10 बज गए, इस कमबख्त ने उठाया नहीं अभी तक. अरे अशांति कहाँ हो? मेरा मतलब है शांति, कहाँ हो? मुझे उठाया क्यों नहीं तूने कमबख्त? क्या मुंह में भी जाले लग गए? भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने इस औरत की जबान ले ली, इसी से मैं तंग था. तेरी जबान चली गई ना? क्या याददाश्त भी चली गई? तू जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है. आज यकीन हो गया मुझे. क्या हो गया? क्या हो गया? पागल भी हो गई? इतना सारा तो नहीं मांगा था मैंने तुझसे भगवान. क्या हुआ? मैं ए, 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 क्या करी? पता है ना,
क्या मौन व्रत किसके लिए रखा है तूने? मेरे हार्ट अटैक के लिए रखा है तूने मनुष्य? मुंह तो सांस तो लेने जाए कंबा का मुंह बंद कर देगी मेरा क्या? मैं ये क्या हो रहा है? मैं अबे तो ऐसे बोलना मेरे लिए रखा है किस लिए रखा है तूने? किस लिए रखा है मेरे इतना लंबा इंजेक्शन? तू तो चाहती है कि मेरी तबीयत खराब हो जाए है मनुष्य? तड़प तड़प के मरूं मैं? मैं इसमें क्या करूं पकड़ के? अरे तो ऐसे बोलना, दुनिया की अकेली औरत है जो अपने पति को दूसरी शादी की इजाजत दे रही है, क्या बात है? अभी भी गलत था कुछ? हाँ मैं 1 2 3 4 रात में बोल तो दिया, इलाज करा तो रहा हूँ, कमबख्त क्या एक ही रात में ठीक हो जाऊंगा? मनुष्य सारे राज खोलेगी आज इसने कसम खाई है। क्या मैं तो ऐसे बोलना मेरी लंबी उम्र के लिए रखा है कमबख्त? कितनी देर का रखा है ये भी बता दे आप। 1 महीने का? क्या 1 दिन का? फिर 1 घंटे का? दुनिया की पहली औरत है जिसने अपने पति के लिए घंटे का मौन व्रत रखा है। उठा उठा उठा, बात कर, बोलना बोलना, बात कर बात कर बात कर। हाँ हाँ, अपनी तरफ से कर्मा की हीरोइन बन जा तू, है बात कर। बखात कितनी घंटी बजाओगे? हेलो घंटी बज गई। हेलो कैसी हो? तुम्हारी सहेली कामिनी का फोन है, करो बात करो। जी वो घर पे नहीं है। No. क्या तुम्हारा पति भी घर पे नहीं है? अरे तुम फिक्र ना करो ना, मैं हूं ना। अरे अरे उसको उसके पति को समझाऊंगा ना, मैं समझा के घर पे ले जाऊंगा। हाँ 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 बिल्कुल मैं आ जाऊंगा। तुम एक काम करना, लॉक लगाना, चटखनी मत लगाना। हाँ, और चाबी वहीं गमले में डाल देना। ये क्या कर रही है, क्या कर रही है ये? कट कर। मनुष्य 2 मिनट की खुशी भी बर्दाश्त नहीं हुई तुझसे है? उठा 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 ना, मैं उठाऊंगा फिर काट देगी। हेलो अम्मी कैसी हैं आप? तुम्हारी अम्मी का फोन है, मेरी नहीं, काट दूं? हेलो अम्मी जी जी, बात करना चाहती हैं? हाँ हाँ अभी कराता हूँ, लो बात करो अपनी माँ से, करो ना। जी अम्मी कैसी हैं आप? ठीक है, वो बात करना नहीं चाहती, वो कहती मैं अपनी माँ से बात नहीं करूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो कहती है मनुज 61 बुढ़िया हमारे घर में आके कदम जमा लेती। मैं नहीं कह रहा, सासू माँ आपकी बेटी कह रही है। हाँ हाँ कह रही है अगर हमारे घर में कदम रखा गला दबा दूंगी मनुज तुम्हारा। मैं नहीं कह रहा सासू माँ, मैं नहीं कह रहा, आपकी बिटिया कह रही है। हाँ हाँ सासू माँ चप्पल से मारूंगी कह रही है अगर मेरे घर में कदम रखा। मैं नहीं कह रहा, वो तो कह रही है ये मेरी माँ है नहीं, मेरे बाप की बहन है दूर की। हाँ 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 गला दबा देगी मनुष्य अपनी माँ को। जिस शोहर की लंबी उम्र के लिए मौन व्रत रखा उसे ही लंबा कर दिया। इतना डिफिकल्ट एक्ट, एक म्यूट रहेगा, एक बात करेगा। व्हाट डिड यू थिंक ऑफ दिस एक्ट? मुझे तो लगा ये बहुत ही सुप्रीम था, आउटस्टैंडिंग, 11/10 मेरे तरफ से। ये एक्ट मैं नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छा था, गुदगुदाने वाला था। देयर वर मोमेंट्स व्हिच वर फनी बट इट वाज नॉट एक्सट्रीमली फनी। अकॉर्डिंग टू मी इट्स वन ऑफ योर टफेस्ट एक्ट्स। स्क्रिप्ट में दम था लेकिन आफ्टर अ पॉइंट द स्क्रिप्ट लॉस्ट अ लिटिल बिट ऑफ इट्स टच।
लेकिन as performance goes, both of you did very well. I'll give you an 8. 8 points. 8 points again. Thank you so much. Thank you so much. A huge round of applause for Ali and Kashif. और अब एक बहुत ही अनोखी चीज. आपने आज तक सार्वजनिक उत्सव तो देखे होंगे, सार्वजनिक मंडल देखे होंगे, सार्वजनिक गणपति, सार्वजनिक दांडिया देखे होंगे, लेकिन अब आज पहली बार आप देखेंगे सार्वजनिक सुहागरात. अरे भाई, नेशनल टीवी पर कोई सुहागरात मनाए तो वो तो सार्वजनिक ही हुई ना. सो प्लीज वेलकम दूल्हा शकील विथ हिज दुल्हन उर्वशी. सुहागरात है दिन में मना रहा हूँ मैं. सिमटर ये दही बड़े का मटका किसने रखा हुआ यहाँ पे? अच्छा बीवी है. या अल्लाह कोई सामान अच्छा निकाल देना. हाँ, क्योंकि अब्बा के पैसे बहुत लग गए हैं. अगर कोई आड़ा टेढ़ा माल निकल आया मैं तो पसड़ जाऊंगा. चीनी लेने आया था भाई. अब्बा का खर्च हुआ, अब्बा ही घूंघट उठाएगा, नफा नुकसान उन्हीं का. कुछ बोल नहीं रही है, जिंदा भी है कि नहीं? चेक कर लेते हैं. सलामकुम. हिल जुल रही है. जिंदा है. अब्बा पैसे सही जगह लगे हैं भाई. बस अब वसूल करना बाकी है. पहली शादी है ना, मैं तो पेचकस पलास पाना सब ला रहा था. दोस्तों ने कहा सुहाग रात है क्या, इंजन खोलने जा रहा अंदर. समझ नहीं आ रही ना, पहली शादी है. तो सलाम अलैकुम, मैं यहाँ खैरियत से हूँ, उम्मीद करता हूँ तुम भी उम्मीद से होगी. तुम कहाँ से होगी, पहली रात है आज तो. और सुनाओ बच्चे कैसे हैं? क्या बकवास यार, पहली शादी है, किसी ने बताया भी कुछ नहीं. हाँ तो दोस्तों ने कहा था रोब में ले लेना पहली रात को. पत्नी जी, बीवी जी, बहन जी. चलो एक दफा में कुछ नहीं होता भाई. आप लोग सोच रहे हो रस्सी लेके क्यों आया हूँ. यार परसों ही मेरे दोस्त की बीवी ना सुहाग रात को भाग गई. मैंने कहा बांध के सारे काम करूंगा. तुम्हें पता है जानू शादी में कितना मजा आया. मतलब है शादी में उपटन बहुत लगाते हैं ना. ओए उपटन पीले रंग का होता, तुम्हें तो पता है. उससे रौनक आती है, चेहरे पे नूर आता है दूल्हा के. औरतें ऐसी मोहल्ले की कमीनी हमारी, जो भी पीली चीज ले मल दे मेरे पे. वो तो शुक्र है घर में कोई बच्चा नहीं था. तो पीली चीज दिखे ये ले जा. अजीब मसला हो जाता फिर है ना. तुम्हारा बाप तो बहुत ही कमीना भाई. खुदाई अपनी बच्ची की शादी की बारात में खुद ही पैसे लूट रहा है मनुष्य. मेरे बाप को चांस ही नहीं दे रहा वो. मैंने भी तेरे बाप को टंगड़ी दी. मैंने तेरा बाप सीधा एक औरत पे जाके कर दम. लोग उठाने लगे कमीना, करा आधे घंटे से पहले मत उठाना. और उठाने भी आधा है, मुझे भी तो कुछ उठाना है. हाँ घूंघट उठाना है मुझे. जाहिद भाई जरा आके हाथ दीजिएगा. घूंघट नहीं, आप हिस्सा मांगने लगेंगे थोड़ी देर. आईदा हैं? अब ये तो भेंगी है. अब्बा तुम्हारे 50,000 डूब गए. तारीफ करूं आंखों की? करना ही पड़ेगा. माशाल्लाह क्या झील जैसी आंखें हैं. दिल करता है इसमें डूब जाऊं, फिर डर लगता है निकलूंगा कैसे, किनारे तो सारे टेढ़े हैं. अबे इधर देखना, मुझे देख रही है. ये सही है, तू मुझे देखेगी अब्बा खुश हो रहा होगा. माशाल्लाह. अबे बोलती क्यों नहीं है? गूंगी भी है. अब्बा चाइना का माल पकड़ा दिया. अबे तो डिस्पोजेबल बीवी है, एक हफ्ते में खत्म हो जाएगी. तुम्हारे खानदान में कोई पूरा नहीं है माशाल्लाह से भाई. वो तेरा चचा था यार, उसका तो एक हाथी नहीं है. हाँ यूं ही था. कमीना कितना बदनसीब है, पतंग लूट लेगा उतार नहीं सकेगा. उतारने क्या वो गई है ना.
माशाल्लाह, दुआ मांगता आधी कबूल होती है। अल्लाह करे मेरा बाप मरे नहीं, जी मरे तक कबूल हो जाती गया। और वो तेरा दूसरा चाचा जिसकी वो इतना अच्छा डांस रहा था तेरी शादी पे, हाँ उसके दोनों हाथ नहीं है, हाँ नाच रहा था, मैंने कहा बहुत अच्छा नाच रहा है, बोला नाच को ना मुझे तो खुजली हो रही है। उससे कमीने से मैंने पता पूछ लिया गफार भाई कहाँ रहते हैं, पता कैसे बता रहा है, सीधे निकल जाओ राउंड अबाउट आएगा, गली में घुस जाओ, सीढ़ियाँ चढ़ा डाम 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 डाम। मैंने कहा मैं चढ़ गया, बोला गलत चढ़ गया, दूसरे फ्लैट में, मैं तेरे बाप का नौकर हूँ। और तेरा मामू दूर खड़ा हुआ था, मैंने उसको सलाम किया, मैं डर गया, मैंने कहा सलाम अलैकुम, और जो चल के आया, हाँ भाई क्या हाल है। मैंने उससे पूछा जनाजे को कंधा दिया, बोले एक दफा दिया था, लोगों ने बहुत मारा भाई, फिर हमारा बाप मर गया तू नाच रहा है मनुष्य है, कितना बदनसीब है, नहाने जाता होगा सूखा ही बाहर आ जाता होगा, झरना खोलता होगा वो तो नहाएगा कहाँ। बंद हो जा। और वो तेरा भाई बहन, उसके तो नाक ही नहीं है, दो सुराख बने हुए, दिल करता पलक घुसर के स्त्री गर्म कर लूं। और मनुष आगे करी आजकल जुकाम बहुत रहता, मैंने कहां रहता है, है ना। हमारा सत्या ने मुझे देखना, अच्छा उधर आ जाऊं। अब इसका तो सिस्टम ही उल्टा है सारा। मुंह दिखाए मैं क्या दूंगा, तो किलो वाला चप्पल लाना भूल गया मैं, मुंह है इस काबिल। बच्चे कितने होंगे, जैसी कंपनी ना प्रोडक्शन भी ऐसी आएगी। हनीमून कहाँ मनाएंगे, साउथ अफ्रीका के जंगल में। हाँ वहाँ शेर आएगा, मैं कहूँगा देखो हिरन आ रहा है, तू तो है ही भेंगी, तुझे हिरन ही दिखेगा। मैं कहूँ जा गोद में उठा, तू उठाने जाएगी तेरी लाश उठा के लाऊंगा वहां से। और बद्दुआ दे रही है तू मरे, तेरा सत्या ना जा, तेरा बेड़ा गरक हो, चल दफा। अब ना मेरी समझ में आ रही ना इसकी समझ में आ रही है, इसके जैसे ही हो जाओ, मैं भी भेंगा गूंगा था। अब्बा पैसे सारे डूब गए। युवराज हमें बताइए कैसी लगी आपको ये पब्लिक स्वागत। आउटस्टैंडिंग। मुझे लगता है मैं जब कॉमेडी पिक्चर भी देखता हूँ तो पूरी पिक्चर में इतना नहीं हंसा जितने मैं 10 मिनट में हंसा यहाँ पे। सुपर्ब सुपर्ब, थैंक यू, आई मीन थैंक यू यार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वेल ज़ाहिद तो सब कुछ कह दिया, युवराज सेड इट ऑल, लेकिन मैं आपके गुरु से पूछना चाहूँगी उन्हें कैसा लगा। थोड़ा ऑफकोर्स लिटिल डिफिकल्ट फॉर लॉट ऑफ पीपल टू अंडरस्टैंड कि ह्यूमर जो है, अब किसी एक चीज़ पर तंज कस रहे हैं किसी भेंगे पर या किसी पे, तो इट इज़ नॉट मेंट टू बी टेकन इन अ बैड सेंस, ये ह्यूमर है, ये कॉमेडी है, इसे उसी अंदाज में लिया जाए तो बहुत ही बेहतरीन एक्ट है। सो यू गाइस रियली रॉक, थैंक यू। सच कहा जाए तो इसे मूक रह के ही आप लोगों को सब कुछ बता देना चाहिए कि हमने कितना एंजॉय किया है, क्योंकि जितनी आवाज़ें और जितने किस्म की आवाज़ें हम निकाल सकते थे हम निकाल लिए हंसते हंसते, इसमें बिल्कुल कोई संदेह ही नहीं है कि इन्हें 10 के अलावा। अर्चना भी दे रही है 10 points अपने पूरे। थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर उर्वशी एंड शकील, थैंक यू। और अब योगा टाइम, सबसे पहले अपना दायना हाथ अपने पेट पर रखो और अब अपना बाया हाथ भी अपने पेट पर रखो, क्योंकि अब तुम्हें पेट पकड़ कर हंसना है। अगला लाफिंग योगा लेकर आ रहे हैं साइलेंट योगा गुरु सुदेश अपने चेले कृष्णा के साथ। मन प्रसन्न हो गया।
योगा आश्रम में आकर और सबको खुशी होगी कि आज हम ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है योगा से होगा। योगा से होगा। आज तक जिसका भी हुआ है योगा से हुआ है, इलाज आप सबका भी होगा। कहते हैं कि पहले जानो फिर मानो। जब तक मैं अपना कोई शिष्य स्वस्थ तंदुरुस्त आपको नहीं दिखाऊंगा आपको यकीन नहीं आएगा। तो मैं सबसे पहले अपने शिष्य तंदुरुस्त को बुलाता हूं कमल आसन को। ये मेरा शिष्य, इसने बहुत जिंदगी में परहेज किया है खाने का। जहां खाना नहीं होता वो जाता ही नहीं, इतना परहेज करता है। और सफाई बड़ी पसंद है इसको, देखो अभी भी कर रहा है। इतनी भी नहीं करनी बेटा। तो खैर अभी स्टैंड अप ज्यादा नहीं होता इस उम्र में। शवासन, शवासन में चले जाओ बेटा। क्योंकि शिष्य जो इज्जत करते हैं गुरु की, ऐसी कोई बात नहीं, शिष्य अगर इज्जत करते हैं तो गुरु भी करते हैं आजकल। कुछ लेटर जो हमारे शिष्य, जो शिष्य दूर दूर हमारे शिगिर्द हैं, उन्होंने भेजे हैं। ये लेटर है, लिखा है कि गुरुजी जो कल रात आपने हमको आसन करके दिखाए थे, मैं अभी पढ़ पढ़ के खुश हो रही हूँ और दिल करता है अभी आपके पास आ जाऊँ, लेकिन डर लगता है मेरे पति को शक ना हो। ओए असली हत कहाँ? एक मिनट। ये डाकखाने में रखे। ये खत आगरा राजस्थान से आया है पप्पू बंगाली का। लिखते हैं स्वामी जी सत श्री अकाल, मुझे गैस की प्रॉब्लम है। अरे गैस की प्रॉब्लम तो आजकल सबको है। सुबह आश्रम में इतनी प्रॉब्लम हो गई, सिलेंडर खत्म हो गया। इतनी गर्मी में हमें ठंडा जूस पी के गुजारा करना पड़ा, अब आप ही बताओ क्या करें। अच्छा इस गैस की प्रॉब्लम है। इसका भी इलाज है, आसन है, करके दिखाएंगे। हमारे कमल आसन जी उठ जाओ बेटे, करके दिखाओ। गैस आसन जो होता है ये दूसरी तरफ से करके दिखाएंगे। हाँ ये आप सोच रहे हो पहले आवाज आई थी अब नहीं आई, ये उसको याद आ गया ना म्यूट पार्टनर राउंड है। देखो इसको आप फील कर सकते हो, फील नहीं करेंगे। गैस भी निकल गई, किसी ने गैस भी नहीं किया। हाँ हाँ लेट जाओ, हाँ लेट जाओ। और ये दूसरा खत आया है हमें बनारस पंजाब से जूली शर्मा का। लिखते हैं स्वामी जी मुझे किस आसन से चैन मिलेगा। अरे जवाब खुद ही दे दिया, किस आसन से मिलेगा चैन और कैसे मिलेगा। लेकिन फिर भी अपने आप ना करें ये आसन, क्योंकि ये अकेले बंदे का काम नहीं है, ये टीम वर्क होता है। दो लोग कर सकते हैं और मैं करके दिखाता हूं और मेरा साथ कोई। हाँ पूर्वी जी प्लीज एक मिनट मुंह उधर करेंगी, क्योंकि नहीं अच्छा लगता आंटी जी के सामने, बच्चे भी बैठे हैं। हेलो उठ जाओ बेटा, आसन करके दिखाओ किस आसन। नहीं नहीं लेने नहीं बेटे, मैंने देने के लिए रखा है। देखिए एक होती पप्पी, अब एक होता है पप्पा। हाँ जैसे बप्पी और बप्पा। और बड़ी दूर दूर से हमें खत आते हैं, पाकिस्तान में भी मेरे बड़े। कोई बात नहीं, शिष्य है उसका हक है, कहीं भी रख सकता है। अरे शकील सिद्दीकी मेरे शिष्य हैं प्यारे, उनका खत है। कहते हैं मुझे टॉयलेट की प्रॉब्लम है। कहते टॉयलेट में मुझे बड़ी जलन होती है, इनको तो हर जगह ही होती है जलन, क्या करेगा।
टॉयलेट ये भी हमारे शिष्य करके दिखाएंगे. उठो बेटा, काम करो, सोना है. क्योंकि ये जो टॉयलेट आसन है इसको बड़े ढंग से करना पड़ता है, तरीके से करना पड़ता है. अगर तो आप स्टैंड अप है, जान है, तो खड़े होके भी कर सकते हैं. अगर आप कमजोर हैं तो ये बैठकर भी कर सकते हैं. क्योंकि टॉयलेट आसन जो है, ये गीला गीला कहाँ से आ गया? आसन आसन करके दिखाना है. खैर छोड़ो, कई लोग यहाँ मानते हैं कि हमें तो कोई बीमारी नहीं. कोई नहीं मानता, लेकिन बीमारी हर किसी को होती है. हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे. वो आसन है उनके लिए सूर्य आसन. करके दिखाओ बेटा. नहीं नहीं ये नहीं, ये तो बड़ा पुराना असली है ना, अपना जो अपनी क्रिएटिविटी. सूर्य मतलब हमने नाम रखा है सन आसन, सन्नी आसन. कोई बात नहीं, आप सोचना नहीं. आप सोच रहे हो पेट में दर्द होगी. नहीं नहीं, ये छोटी सी हार्ट अटैक हुआ है. कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका भी इलाज हमारे पास है. पूर्वी एम्बुलेंस जल्दी आ जाओ. तो युवराज बताइए, क्या आप हमारे इन बाबा के साथ योगा सीखना चाहेंगे? जरूर जरूर सीखेंगे, क्योंकि मुझे बहुत मजा आया. आई थिंक कृष्णा एंड सुदेश बोथ हैव डन एक्सट्रीमली वेल. आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दोनों, बहुत ही उम्दा किए. थैंक यू, सुपर. अर्चना क्या कहेंगी आप सुमन के बारे में? लवली, काफ़ी सारे पंचेस बहुत बढ़िया थे. द होल कॉन्सेप्ट एक्चुअली वॉज वर्किंग. और वॉट रियली वॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट वॉज दो जो आसन आपने सिखाए एंड में, वो डांस वाले, दैट वॉज आई थिंक द हाईलाइट ऑफ द होल शो ऑफ योर एक्ट. वेरी वेल, आई थिंक इट वॉज इफेक्टिव, वेरी इफेक्टिव. इट वॉजंट अ 10/10 परफॉर्मेंस, बट इट वॉज स्टिल वेरी वेरी गुड. आई लाइक टू गिव यू अ 9 पॉइंट्स. थैंक यू सर. Unfortunately for me also it's 9 points again. Thank you. Well, just wanted to say आपको योगा बहुत अच्छी लगी ना सर जी. सर योगा का एक स्टेप कर लेते हैं हम लोग. अरे क्या बात कर रहे हैं. जस्ट अ रिक्वेस्ट, एक स्टेप. तालियां ज़ायद खान के लिए, हमारे युवराज. थैंक यू सुदेश, थैंक यू कृष्णा. हमारी जोड़ी के लिए जोरदार तालियां. सुमंस ने कांटे की टक्कर को और खतरनाक और सीरियस बनाने के लिए बुला लिया है काम्या और राजीव को. और आते ही चीप गुंडे राजीव ने काम्या को कर लिया है किडनैप. प्लीज गिव देम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, राजीव एंड काम्या. बोल राधा बोल, तूने ये क्या किया? बोल राधा बोल बोल. कैसे बोलेगी? अभी खोलता हूं तेरे हाथ. अब तो बोल. एक मिनट, बेवकूफ की बच्ची पट्टी बंदी हो. मैं तो क्या इमरान हाशमी का बाप भी पप्पी नहीं ले सकता. अबे गंदे गंदे पंच ना मार, औरतों की काशिफ खान. हाँ एक मिनट, तेरा मतलब है तेरा मुंह खोल दूं और म्यूट पार्टनर राउंड से आउट हो जाऊं? ओए मैं बड़ा डेंजर आदमी हूं, समझी? हमेशा डेंजर जोन में रहता हूं. जा कहां रही है, इधर आ जरा. मैं उस परफेक्ट मामू का भांजा नहीं हूं कि जिसका किडनैप सुपर हिट फ्लॉप हो जाए. मैं बड़ा खौफनाक आदमी हूं, ये देख खौफ और ये देख नाक. जोक मार रहा हूं, समझी? हाँ
नंबर बता. तेरा नंबर तो मैंने भांप लिया है, अपने बाप का फोन नंबर बता. क्या बाप नहीं है तो तू क्या लकी ड्रॉ में से निकली है? अबे कौन है तू? मैं. पैसे लुटाऊं? ए ए कमाई मुझे करनी है, तुझे नहीं. पैसे दूं किस बात के? डांस किया? एक मिनट, म्यूजिक ये ले अपना डांस वापस. मैं उस माँ का बेटा हूं जो उधार नहीं रखता, समझी? नाचती है ना तू? अपने ग्राहक का नंबर लगा. हेलो, कौन? काशिफ? काशिफ ये तेरा मुजरा देखने क्यों आता है? अबे इसका मुजरा तो मैं देखने जाता हूं. और ये तेरे पैसे कहां से देगा? ये तो खुद बेचारा पप्पी दे के साइकिल किराए पे लेके आता है. किसी और ढंग के बंदे का नहीं आता तुझे? स्वप्निल. डांसर कृष्ण. अबे वो डांस देखने बाहर आता है? उसके तो अपने घर में कितने डांसर भरे पड़े हैं. कमाई होती तुझे, तेरे से कमाई करके जाता है, जाके तेरे स्टेप चोरी करके रियलिटी शो में करके आता है. कोई और ऐसा बता जिसे मैं उल्लू बना सकूं. अंगूठा छाप, गायक लहरी. वो तेरे कोठे पे क्या करने आता है? बजाने. गाने. यहां भी सिर्फ गा के चला जाता है. शकील को बुलाऊं? बड़ा शरीफ आदमी है. और काय का शरीफ आदमी है. कल रात को ना बकरी के कान में गंदी फिल्म की स्टोरी सुना रहा था. वो तो बाद में लेने के देने पड़े जब पता लगा बकरी नहीं बकरा है. कोई मर्द का बच्चा बता. अर्चना. हाँ. जाहिर. शेख. ये कुछ ठीक है पर इससे पैसे के मांगने हैं. इसे मार्क्स मांगना. बताइए आपको ये गुंडे और उनकी गुंडी कैसी लगी? ये एक्ट बहुत कोशिश की मैंने कि उसमें मैं ह्यूमर ढूंढूं एक वक्त के बाद. लेकिन उसमें आप लोगों की गलती नहीं है. मैं समझ सकता हूं कि ये कोई भी करे तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल काम है. बट यू आर बोथ क्वाइट स्वीट एंड क्वाइट क्यूट एंड क्वाइट इफेक्टिव. आई विल स्टिक टू अ 7. ऑलराइट, 7 पॉइंट्स फ्रॉम शेखर. सॉरी, आपकी थोड़ी बदनसीबी थी कि आप इन तीनों के बाद आए. आई थिंक समवेयर इस थीम ने आपको बांध दिया है. सो सेंसिंग द डिफिकल्टी ऑफ इट एट द सेम टाइम नोइंग दैट इट्स टफ टू डू बट आई हैव टू मार्क ऑल्सो टफली नाउ एन ऑनेस्ट मार्किंग फ्रॉम माई साइड. 6 पॉइंट्स. थैंक यू काम्या. थैंक यू राजीव. A round of applause for Kamya Rajiv. Thank you so much and welcome back. हमें अलविदा कहना है जायद को. जायद, थैंक यू सो मच फॉर बींग विथ अस, फॉर योर लवली कॉम्प्लीमेंट्स जो आपने हमारे एक्टर्स को दिया. दे वेरी एनकरेजिंग एंड सो नाइस ऑफ यू. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू पूर्वी, थैंक यू सुरेश, थैंक यू. आई होप आप घर जाके हमारे बाबा का योगासन जरूर करेंगे. वेरी गुड. और जाते जाते कुछ आप कहना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? सबसे यही विनती करना चाहूँगा कि प्लीज़ गो एंड सी युवराज. बहुत ही बेहतरीन किस्म की पिक्चर है. इट्स ड्रामा म्यूजिकल बाय सुभाष गाय एंड आपकी दुआएं के बहुत बहुत ज़रूरी है हमें. थैंक यू. ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज़ ज़ायद खान. थैंक यू. अर्ज किया है हंसी है फ्री, टमाटर 20 रुपये पाव. हंसी है फ्री, टमाटर 20 रुपये पाव, तो हंसी को पकाओ, हंसी को खाओ. आप सबको अजीब लग रहा होगा ना, अरे ये क्या बोल रही है, अरे ये तो कुछ भी नहीं. अभी तो इससे भी अजीब और गरीब शायरी आने वाली है, वो भी फ्री. और इस फ्री शायरी की पहली जोड़ी, प्लीज वेलकम अली एंड काशिफ.
भाई हमने रखा है पान लगा कर चूना, हमने रखा है पान लगा कर चूना, जिसको देना हल्का सा लगा कर चूना, और हमने जिस शख्स को पान की आदत डाली ऐसा भागा वो हम ही को लगा कर चूना। हमने भी जमाने में तरक्की की है, हमने भी जमाने में तरक्की की है, पहले खाते थे मीठा अब डबल पत्ती चूना। और जो बुरा होता है उसमें भी भला होता है, जो बुरा होता है उसमें भी भला होता है, मुंह जो काटे तो बुरा चूना और कीड़ा काटे तो दवा चूना। छोला भाई कीड़े पड़े तुम्हारे वहां, कीड़े पड़े। अरे भाई आइए आइए, ये कोई आने का अंदाज है? जरा तशरीफ लाइए। क्या कहा आपने, क्या फरमाया? भाई शोला भाई तुम्हें कीड़े पड़े वहां और तुम झट से आन गिरे हो यहाँ, क्या बात है भाई? वाह आप तो शायर निकले भाई, सुनाइए सुनाइए फिर कुछ। बंदे मियाँ हमें भी एक कड़क पान खिलाना, क्या बात है क्या बात है। बंदे मियाँ हमें एक कड़क पान खिलाना, मुंह हमारा ना कटे ऐसा चूना लगाना। इसका जवाब अर्ज किया है कि मुंह जो कटे है आपका तो बातें बनाए हो, मुंह जो कटे है आपका तो बातें बनाए हो, पूरे के पूरे कट के कोठे से आए हो। जाने अदा है वो, वाह जाने अदा है वो, काटना अगर उसे आता है, जाने अदा है वो, काटना अगर उसे आता है तो गड्डी पे गड्डी नोट उड़ाना हमको भी आता है। वाह आप हमारी नसीहत सुन लीजिए कि अगर आप इसी तरह पेटी और खोका उड़ाएंगे, अगर आप इसी तरह पेटी और खोका उड़ाएंगे तो हमारी तरह यहीं पे पान का खोका लगाएंगे। लगता है कि तुम भी हमारी तरह कई बुरे फंसे हो बाबा, लगता है कि तुम भी कई बुरे फंसे हो, क्या हमारी तरह किसी जहरीली नागिन के डसे हो? वाह वाह क्या क्या रब छेड़ दिया आपने भाई। हम भी कभी ग्राहक थे एक शोला भाई के, हम भी कभी ग्राहक थे एक शोला भाई के, मोहताज हो गए आज पाई पाई के। वापस हम भी कभी, पूरा तो सुन लीजिए, दरमियान में बोलना पड़ा था भाई आपको। भाई हम भी कभी ग्राहक थे एक शोला भाई के, मोहताज हो गए हैं आज पाई पाई के, नवाबों ने अपनी दौलत लुटाई है इनके पास, कितने महल दफन है कोठे के आसपास। वापस नहीं आते हैं जो बाबा, वापस नहीं आते हैं जो जो शोला बाई से कटे, वापस नहीं आते हैं जो शोला बाई से कटे, तुम हो बड़े ढीठ जो यहाँ से नहीं हटे। भाई वाह क्या तमाचा टिकाया आपने, इसका जवाब सुनिए। बको सुनिए बको भाई, दुकान यहाँ पे की है नजरों को सेकता हूँ, दुकान यहाँ पे की है नजरों को सेकता हूँ, दीदार के लिए पान की पुड़िया को फेंकता हूँ। अब आइए सरकार, हम भी मजे लेंगे अब अपनी आंखों को सेक कर। भाई वाह हम भी मजे लेंगे अब आंखों को सेक कर, कि हम भी मजे लेंगे अब अपनी आंखों को सेक कर, आए थे आज इस कोटे पर अपने घर को बेचकर। कोई नहीं बचा है, कोई नहीं बचा है इन नजरों के वार से, लो आज एक और मर गया कोठे की मार से। कोई नहीं बचा है इन नजरों की वार, नजरों के वार से, लो आज एक और मर गया है कोठे की मार से। तुम पे जो छाई हुई है इस कड़की को देखता हूँ, तुम्हारी शक्ल में एक हंसी लड़की को देखता हूँ। तुम पे जो छाई हुई है उस कड़की को देखता हूँ, तुम्हारी शक्ल में एक हंसी लड़की को देखता हूँ। अब हम आपको पान खिलाएंगे इस शर्त पे, अब हम आपको इस शर्त पे पान खिलाएंगे अगर आप हमें यहाँ नाच के मुजरा दिखाएंगे। चलिए शुरू हो जाइए, बताइए भाई कंगाल मुजरा भी देखते हैं। बाबा 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 भाई, हमने गलती की थी उस शोला भाई के पास जाके, हमें क्या पता था ये नाच दिखाएंगे हमें यहीं पे आके। अलावर से अरे बहुत खूब
Thank you. A huge round of applause for Ali and Kashif. Thank you so much. Thank you. Please, apna stand ground kare. Thank you. कांटे की टक्कर अब आ रही है हमारी अगली जोड़ी जो यहाँ पे आके शायरी के शोले भड़काएगी सो प्लीज वेलकम उर्वशी और शकील भाई अर्ज किया है और तेरे पे 150 खर्च किया है 150 मेरी इतनी औकात है भैया अर्ज किया है टूटे हुए दिल का मुरब्बा बना दिया वाह आ हा हा मजे लेना मनुष टूटे हुए दिल का मुरब्बा बना दिया वाह 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 और घर को मेरे कचरे का डब्बा बना दिया और 3 महीने की निकाह के बाद ही तूने मुझे अब्बा बना दिया ए, क्या बकवास कर रहे हो तुम ये शेर है भाई जो चल गया शेर है दूध के साथ साथ शायरी भी करता हूँ अर्ज किया है वाह वाह मजा आया अंदरू ने मजे ना ले सुन पहले अर्ज करो तू भी जवां मैं भी जवां तू भी जवां मैं भी जवां तेरा भी गर्म खून मेरा भी गर्म खून अगर इजाजत हो तो दोनों मिलके ठंडा कर ले ये 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 क्या था बस इसमें हालात थे मेरे दिल की बात थी इसे शेर नहीं कहते हैं शायरी सुनिए तो सुनो सुना अर्ज किया है तेरी 9 बहनें हैं तो हुक्म कर मैं अर्ज कर रही हूं कर अर्ज किया है कभी आती थी दरवाजे के पीछे से अम्मा की आवाज आ हा 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 कभी आती थी दरवाजे के पीछे से अम्मा की आवाज ए तूने बर्तन तोड़ दिए तेरा सत्यानाश मुझे तुम नजर से गिरा तो रही हो मुझे तुम नजर से गिरा तो रही हो मुझे तुम पलंग से गिरा ना सकोगी अब ये क्या था इसमें एक इरादा था अच्छा हाँ आपके लिए अर्ज किया है मेरे लिए अर्ज किया है महफिल में सबकी नजर आप पर थी कशिशी बहुत है मेरे में चुपचाप सुनो अच्छा महफिल में सबकी नजर आप पर थी और आपकी खुशी का ठिकाना ना था वाह 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 खुद ही एंजॉय कर ले मनुज तू मुझे करने दे वाह 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 महफिल में सबकी नजर आप पर थी और आपकी खुशी का ठिकाना ना था जब आपने नजर झुका कर देखा तो आपकी टांगों में पजामा ना था जमाने के डर से तेरी तस्वीर को टॉयलेट में छुपा रखा है जगह कैसी ढूंढी है देखो तुम जमाने के डर से तेरी तस्वीर को टॉयलेट में छुपा रखा है और हो तेरा दीदार बार बार इसलिए जमाल गोटा खा रखा है ये क्या मतलब इजी है तुम्हारी अच्छा मेरी बदतमीजी तू अदबी बातें कर रही थी देखो बस बहुत हो गया बहुत हो गया होगा तो गोद में आएगा ना बस हो गया थैंक यू उर्वशी थैंक यू शकील ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज कौन है हॉट कौन सुपर हॉट है कंफ्यूजन बड़ा प्लीज वेलकम राजीव एंड काम्या हाय मैं हूं काम्या हाय और मैं शायद राजीव ठाकुर हूं राजीव तू इतना घबराया हुआ क्यों है घबराऊं ना तो और क्या करूं आज शायरी राउंड है और शेयर मार्केट इतनी डाउन चल रही है अरे पिछली बार भी तो शायरी राउंड था और हमें काफी अच्छे नंबर्स मिले थे पिछली बार की बात मत कर वो तो हमारा आखिरी शेर सुन के जज हिल गए थे और हमें अच्छे नंबर मिल गए थे अगर आखिरी शेर पे भी लोग ताली ना बजाते तो हम डेंजर जोन में आते तू तो खामखा टेंशन करता है अब तो डेंजर जोन भी अपने घर जैसा लगता है क्यों झूठ बोल रही है घर तो तू कभी कभी जाती है क्या मेरा मतलब है कि डेली सोप करने के कारण तुझे घर जाने का वक्त कहाँ मिला करता है करवा चौथ में बेचारा तेरा पति तेरा इंतजार किया करता है क्या करूं डेली सोप एक्टर्स की कुछ ज्यादा ही जिम्मेदारियां होती है इसलिए वो बेचारी कभी कभी सेट पर ही सोती है किसके साथ ए?
अरे वहाँ दिन रात काम का है कायदा, अब तू ही बता घर जाने का क्या फायदा। अगर ऐसी बात है तो मैं भी डेली सोप में फिट हो जाऊंगा, जहाँ सेट पे हीरोइन सोएगी मैं भी उसी के साथ सेट हो जाऊंगा। छोटी सोच के गंदे आदमी, तू डेली सोप के लायक नहीं है, तेरे लिए ये कॉमेडी शो ही सही है। यहाँ तुझ जैसे की बातों का बुरा नहीं मानते हैं, बल्कि गंदी गंदी बातों पर अच्छे नंबर मिल जाते हैं। लगता है तुझे हैंडसम लड़कों पर विश्वास बहुत थोड़ा है। हैंडसम? क्या करूं, कभी तुझ जैसे ड्राइवर या स्पॉट बॉय ने मेरा दिल तोड़ा है। अबे तूने स्पॉट बॉय और ड्राइवर से भी चक्कर चलाया है? क्या करूं, मैंने सबसे ज्यादा वक्त उन्हीं के साथ बिताया है। अच्छी लाइन। अब एक बात बता, ये देख के जजिस पे क्या इम्प्रेशन डाला है? अरे उसकी चिंता तू मत कर, ये राउंड बिना नंबरों वाला है। थैंक यू सो मच कामया, थैंक यू राजीव, थैंक यू। कांटे की टक्कर, अब अगली जोड़ी के लिए कुछ गा के सुनाऊं या कुछ नाच के दिखाऊं, कुछ गा के सुनाऊं या कुछ नाच के दिखाऊं, या फिर ये दोनों की मसालेदार भेलपुरी खिलाओ। आ रही है सुर और ताल की भेलपुरी, कृष्णा और सुदेश। और देते प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे रे, और मैं प्यार दे। और देते प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे रे, और मैं प्यार दे। खेला चाहिए ना संतरा चाहिए ना मौसम्बी चाहिए, मैं प्यार का भिखारी हूँ, मुझे प्यार चाहिए। अरे ओ भगवान देखो जरा बाहर, हमारे गेट पे कौन भीख मांग रहा है? अरे कौन है तू? मैं हूँ मुंशी जी, मैं। हाय। अरे विक्की बाबा तू, अरे मांग मांग, मेरे बदले में गा गा। हम गाएंगे नहीं मुंशी जी, क्योंकि ये शायरी राउंड है, हम शायरी बोलेंगे। हाँ तो करो करो। अर्ज किया है कि मर्ज क्या है? अरे बेटा मर्ज के बारे में क्या पूछते हो, ए विक्की बाबा है तू और बाबा जीर मुझे हो गई है। अरे मैंने ये नहीं पूछा कि मर्ज क्या है, मैंने तो शेर कहा है, शेर। ए माफ करना बेटा, मुझे समझ नहीं आई। तो अब समझ में आएगा। सुनो, पशु पिटे नाश पिटे, कैश पिटे या गवार, खड़ा है खड़ा है खड़ा है कुतुब मीनार। वाह बेटा वाह, ये समझ आ गया मुझे, समझ आ गया। ऐसे कैसे समझ में आ गया? अरे आपने तो इरशाद कहे नहीं, इरशाद। ए इरशाद। अर्चना के पति का नाम क्या है? परमीत है। अर्चना के पति का नाम क्या है? परमीत है। तो परमीत अर्चना से इतना डरता क्यों है? क्योंकि डर के आगे तो जीत है। अरे वाह बेटा विक्की बाबू, मुझे बेवकूफ बना रहे हो, ऐसे शेर तो मैं भी बोल सकता हूँ। तो इरशाद। कल रात एक मॉल में एक माल से मुलाकात हो गई। कल रात एक मॉल में एक माल से मुलाकात हो गई, जब मॉल पूछा माल का तो जूतों की बरसात हो गई। भगवान आपका तो बहुत ही बड़ा तजुर्बा है। ए थैंक यू बेटा, दरअसल बात ये है कि इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं कि किस कदर चोट खाए हुए हैं, इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं कि किस कदर चोट खाए हुए हैं। अरे वो जगह तुम्हें कैसे बताएं, यहाँ डिटोल लगाए हुए हैं। अरे वाह मुंशी जी वाह, क्या खटिया शेर मारा है, एक और हो जाए। ए नहीं बेटा, अब मैं सुना नहीं सकता, मेरा टाइम हो गया है, मुझे जरूरी काम है, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो मुंशी जी? ए दरअसल बात यह है कि शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है। ए शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए बॉबी डार्लिंग ने मुझे शराब पे बुलाया है। वाह मुंशी जी वाह, भला शराबी मैं हूँ और शराब पे आपको बुलाया है, लेकिन फिर भी बहुत मजा आएगा जब मिल बैठेंगे तीन यार, आप मैं और बॉबी पाइपर। ऑलराइट,
थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल परफॉर्मेंस जो हमने सबने देखी. बहुत मजा आया. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. शायरी हो गई पूरी. शायरी हो गई पूरी. अब सबको टेंशन दे दे थोड़ी. थैंक यू. दोनों टीम्स को हंसी के मूड से थोड़ा सीरियस मूड में लाते हैं और इनके टोटल स्कोर्स पर एक नजर डालते हैं. आज से लेकर फिनाले तक हर एपिसोड का स्कोर जोड़ा जाएगा फिनाले में और तीनों हफ्तों का टोटल स्कोर ही तय करेगा कि कौन सी टीम होगी कांटे की टक्कर की विजेता. तो अब तक के टोटल स्कोर्स के मुताबिक पूरन की टीम कर रही है लीड. अगले हफ्ते बॉलीवुड का फैलेगा रायता एक नए अंदाज में. तो जरूर मिलेगा अगले शनिवार 9:30 बजे. तब तक हंसते रहो हंसाते रहो.